Hello everybody, I am Dr. Rakesh Pandit, Senior Consultant and Head Internal Medicine at Aakash Healthcare, Dwarka. Today we'll be talking about prolonged fever, what it is. हमें पता है कि बुखार एक ऐसी problem है जो कि it can be a simple viral fever या किसी एक major बीमारी का भी लक्षण हो सकता है. ये बुखार के बहुत से कारण हैं. If you estimate there are more than 200 causes and बट यूजुअली जब हम बुखार देखते हैं वो 10-12 कारण है जिससे कि बुखार होता है. ये जो प्रोलॉन्ग फीवर, इसमें दो तरह का है कि एक तो बच्चों में तो हमें पता है कि मीन्स 8-10 दिन बुखार रहता है, तो बट यूजुअली वो लो ग्रेड फीवर है तो यूजुअली वायरल फीवर से होते हैं. तो कभी कभी बच्चे एक वायरल फीवर से रिकवर होते हैं तो दूसरा वायरल फीवर हो जाता है. पर ज़्यादातर हम एडल्ट्स की बात करेंगे कि कोई भी एडल्ट जिसका फीवर 3 हफ्ते से ज़्यादा है और बुखार 101 के ऊपर है और आपने उसे 1 हफ्ते एटलीस्ट इवेलुएट किया है, उसके बेसिक टेस्ट किए हैं और आपको वो टेस्ट में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो इसको FUO, फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन और प्रोलॉन्ग फीवर कह सकते हैं. तो ये बुखार के कारण बहुत सारे हो सकते हैं. मीन्स एज हमें पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बुखार का कारण इन्फेक्शन ही है, तो नॉन इन्फेक्शियस कारण होते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है पर तब भी बुखार है. मीन्स यू हैव एन इन्फ्लेमेशन नॉट एन इन्फेक्शन, बट यूजुअली उसमें लो ग्रेड फीवर होता है. बुखार के अदर कारण कैंसर, कैंसर्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर फीवर्स. मीन्स अगर आपके किसी को वेट लॉस भी है, बाकी एसोसिएटेड सिम्टम कोई सिस्टम रिलेटेड है जैसे कि पेट में दर्द भी हो रहा है, देन स्टूल्स ब्लैक हो रहे हैं या परसिस्टेंट कफ हो रहा है जिसमें ब्लड भी आ रहा है, तो तब तो पिन पॉइंट ईजिली हो जाता है. बिसाइड्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कैंसर्स एक कारण बुखार का भी ये हो सकते हैं. तो प्रोलॉन्ग फीवर में आपको और रीज़न ढूंढने हैं तो पहले आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करिए. अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हमें फिर एडवांस टेस्टिंग में जैसे उन एब्डोमेन सीटी या चेस्ट का सीटी करना हो, ब्लड कल्चर्स हो, इवन हम पेट स्कैन तक इसके लिए करना पड़ता है. तो बुखार एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे भी कि आप नॉट नेसेसरी सारे टेस्ट करते रहो पर बेसिक आप 10-12 बीमारियों जो उनके लिए करो. बुखार एक सीधी प्रॉब्लम भी है पर वो अगर नहीं हल होती तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, क्योंकि इसके कारण 200 से भी ऊपर है. सिंपल वायरल फीवर से लेके कैंसर्स तक बुखार का कारण हो सकते हैं. तो इसलिए अगर कभी भी कोई प्रोलॉन्ग फीवर हो तो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट करिए. पर्टिकुलरली अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर आपका मतलब याददाश्त पे फर्क पड़ रहा है, अगर आप चलने में दिक्कत हो रही है, आपको कमज़ोरी हो रही है, आपकी खांसी परसिस्टेंट है वो जा नहीं रही है, अगर आपकी भूख कम हो गई है और कांस्टेंट पेन है, एब्डोमिनल पेन या कहीं और दर्द हो रहा है, आपकी आवाज़ में बदलाव है, आप कहीं गांठ नोट कर रहे हो, तो ये सब आपको रेड फ्लैग साइंस होंगे आपके बुखार के लिए. तो अगर इसमें से कुछ भी है तो अब अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके खुद को इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि प्रोलॉन्ग फीवर इट डेफिनेटली नीड्स इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट. थैंक यू वेरी मच.